पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। फोन, व्हाट्सएप चैट और चश्मदीद गवाहों के बयानों से राज कुंद्रा के कई राजों से पर्दा उठ रहा है। इसी बीच इस मामले में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। इसी पूछताछ को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई की शाम को जब पुलिस वाले राज कुंद्रा को लेकर उनके घर पहुंचे थे तो उनको देखते ही शिल्पा शेट्टी भड़क गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। एक्ट्रेस ने कई पुलिस वालों के सामने चिल्लाते हुए रात से कहा कि इस केस ने परिवार की बदनामी करा दी है, हमारे हाथ से कई एंडोरमेंट्स और बिजनेस डील निकल रहे हैं, परिवार को इससे काफी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, शिल्पा शेट्टी ने रात से पूछा था कि समाज में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद उन्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत पड़ी। साथ ही उन्होंने रात से कहा कि उन्हें अपने ऐप या फिर जो भी बिजनेस था उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए था। राज के अरेस्ट होने के बाद शिल्पा शेट्टी बेहद टूट चुकी है। उनका गुस्सा, हैरानी, बौखलाहट सब कुछ राज कुंद्रा को देखते ही निकल पड़ा था। उस दिन राज को देखते ही वो अपना आपा खो बैठी थी और खूब रोई और राज पर चिल्ला पड़ी। बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी को रोता देख राज कुंद्रा की आंखों में भी पानी आ गया था। बाद में राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को समझाने की कोशिश की। वे बार बार खुद को बेगुनाह बता रहे थे और कह रहे थे कि उनके खिलाफ बने इस केस का कोई आधार नहीं। राज ने शिल्पा शेट्टी से कहा कि उन्होंने पोर्न नहीं बनाया है बल्कि इरोटिक मूवीज बनाई। राज से बात करने के बाद शिल्पा ने अपने पर्सनल लॉयर के सामने पुलिस के सवालों का जवाब दिया। उनसे लगातार 6 घंटे तक पूछताछ की गई। इसमें उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स जानकारी ली गई। वे बार बार यही कह रही थी कि उन्हें राज के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं, वे सिर्फ राज के कुछ बिजनेसेस में पार्टनर थी और बिजनेस कैसे करना है ये सब राज देखा करते थे। शिल्पा ने बताया कि वे ज्यादातर समय घर को देखने और अपने शो या फिर फिल्मों की शूटिंग में बिताया करती थी। अपना बयान देते हुए शिल्पा शेट्टी ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनके पति पर लगे आरोप सही नहीं है। उन्होंने पोर्न और एरोटिका का अंतर बताने की कोशिश की। शिल्पा शेट्टी से 6 घंटे की पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इस केस में शिल्पा का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उनसे दोबारा कोई सवाल नहीं पूछने वाले हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी को आधिकारिक तौर पर क्लीन चिट नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप बख्शी यानी कि राज कुंद्रा के बहनोई को केवल एक चेहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हॉटशॉट के सभी कामकाज की देखभाल कुंद्रा ने खुद की थी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि वियान इंडस्ट्रीज के अन्य डायरेक्टर्स को भी जरूरत पड़ने पर बयान के लिए बुलाया जाएगा। वहीं आरोपी अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसमें करीब 6 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसके बाद अरविंद श्रीवास्तव ने पुलिस से खाते को डीफ्रीज करने का अनुरोध किया है, लेकिन पुलिस ने उसे पहले पेश होने और जांच में शामिल होने के लिए कहा है। बता दें कि 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें मोबाइल पर स्ट्रीम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरी मामला अब कौन सा नया मोड़ लेता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।